गाइस आपको मैं मिला था अपने मौसा जी से, ठीक है। एक सवाल पूछ रहे तो उसका आंसर आप कमेंट में बताना, बाकी आपको बताते हैं। तो बताओ मौसा क्या था वो? ये मान के चलिए ये मेरा जो है सो पुल है। तो गाइस मैं आपको एक शख्स से मिलवाता हूँ, ये है वो सो। हाय बोल। हाय। तो फिलहाल गाइस अभी मैं आ रखा था अपनी नानी के यहाँ और आपसे एक बंदे से मिलवाता हूँ। तो है मेरे से छोटा ही है। I see fire burning, but I close my eyes. I'd rather deny that. Everything is falling out of place. I see trees ripped from the ground, but nobody makes a sound. I see fire burning, but I'm fine. फिलहाल गाइस अभी मैं आ रखा था अपनी नानी के यहाँ और आपसे एक बंदे से मिलवाता हूँ। तो है मेरे से छोटा ही है ज्यादा ही, और वो है सचिन। शक्ल दिखा दे एक बार, शक्ल दिखा दे। अरे उसको देखो वो चुराया ले उधर, यही है। टडन 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 टडन, यही है चुराया। अरे ये रहा, हाय तो बोल दे। हाय बोल क्या? तो भाई ये है सचिन, ठीक है। अभी 10th क्लास में, एक क्लास पीछे है मेरे से अभी, ठीक है। और अभी फिलहाल मैं आ गया था नानी गया, तो थोड़ा छोटा मैंने ब्लॉग वगैरह बना ही लेते थे। और वो पता ना वो कौन है? वो क्या कर रहा तू? बैठे तो अभी फिलहाल देखते आज ब्लॉग मजे लो यार। ब्लॉग में नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। अभी हम आ चुके हैं अपनी दुकान पर जो है अपनी नानी की, ठीक है। और ये देखो सचिन आराम से बैठा पड़ा अंदर, ठीक है, फुल मजे करते हुए। ये भाई ये होती है गांव की दुकान, ये देखो कुछ ऐसे रहती है रोड पे, मतलब खपड़े से ऐसे बनी रहती है ऊपर टीन वीन ऐसे लकड़ों से, ठीक है। ये देखो भाई पूरी ऐसी ऐसी दुकान है और बहुत सही मौसम हो रखा है और पेड़ पौधे सब जगह, पेड़ ही पेड़ पौधे दिखे हैं। और ये है कुछ अपने इधर का सीन बिहार का, ठीक है। और चीज़ भी है आपको मैं दिखाऊँगा अपने ब्लॉग में। तो गाइस मैं आपको एक शख्स से मिलवाता हूँ, ये है वो सब। हाय बोल। हाय। ऐसे ऐसे पहले तू अरे पापा टू कुछ हो गया गाइस वो ज्यादा। और कुछ बोल। एक चिट्ठा टाटा है। अरे दिल्ली चलेगा। दिल्ली चलेगा। हट जा तू भी चलेगा, आ जा चल चल। तो गाइस इसको ले आऊं मैं, गिर गया। कुछ कितना ज्यादा हो रहा है, हैं? उठ डांस कर रहा है फुल। कुछ हो गया, वो चलने लग गया। आगे लग रहे हैं गाइस। अभी ना ये नेक्स्ट डे ब्लॉग शूट हो रहा है और अपने साथ है सचिन। हाय बोल सचिन। हाय। तो भाई अभी फिलहाल अपन जा रहे हैं इधर से मौसी के घर, और इधर से अपन को टोटो रोटो जो भी है मिल नहीं रही कुछ भी। अभी ये बंदा आया, ये वाला बंदा, इसने मना कर दिया, कह रहे इतनी दूर नहीं जाऊँगा। तो अभी देखते जैसे सचिन ही बताएगा कैसे कैसे क्या करके जाना है, तो देखते हैं पूरा पहुँचते फटाफट। फिलहाल अपन अभी पहुँचने वाले हैं मौसी के घर पे, एंड इधर से 9 किलोमीटर और है, ठीक है। सचिन क्या बोलना चाहेगा इतनी धूप में?
है? इतनी धूप में क्या बोलना चाहेगा जाने का मजा कुछ और ही है। अभी मौसी के घर पे पहुंच चुके थे एंड ये घर है कुछ, ये देखो बढ़िया वैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये मौसी का सामान है इधर पूरा ठीक करते हैं। अब देखो मैं आपको अपनी मौसी से मिलाता हूँ। तो देखो ये मौसी अपनी इधर ठीक है। और अभी सच्ची नहीं रहा, अभी फ़िलहाल कल जाएंगे, फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला अपना, तो शायद ब्लॉग आज कल भी नहीं आ पाएगा, बस यही सीन है। और मिलते हैं कल। गाइस आपको मैं मिला था अपने मौसा जी से ठीक है। एक सवाल पूछ रहे तो उसका आंसर आप कमेंट में बताना, बाकी आपको बताते हैं। तो बताओ मौसा क्या था वो? ये मान के चलिए ये मेरा जो है सो पुल है। हाँ ठीक है पुल है और नीचे का नदी है। हाँ इस पे एक शेर है, इस बीच पुल के बीच में एक शेर बैठा हुआ ठीक है। उस पे जो 5 मिनट ही शेर सोता है 5 मिनट जगता है। अच्छा और हमको जो पुल को पार करना है। हाँ। और शेर का नियम है जिधर आते हुए देखता है उधर से वापस फेंक देता है, वापस फेंक। तो गाइस मैं आपको हिंदी में दोबारा समझाता हूँ अगर किसी को समझा। एक पुल है ठीक है, वहाँ पर एक शेर सोया है बीच में, पाँच मतलब इधर से जाने में 10 मिनट लगते हैं, 5-5 मिनट पे शेर उठ जाता है ठीक है। और आपको जाना है इधर से उस पार, तो आप कैसे जाओगे ठीक है। और पर ये बात है जहाँ से अगर आपको शेर देख लेगा आपको वापस वहीं पर ले जाएगा, वापस वापस मतलब वापस आपको वहीं पर भेज देगा। तो बताओ उसका आंसर आप कमेंट में देना, बाकी मुझे पता है आंसर ठीक है। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसका आंसर दूंगा ठीक है। और फिलहाल सचिन से मिलो। फिलहाल गाइस अपन अभी मौसी के घर पे से इधर आ चुके हैं अपनी नानी के घर पे। और सचिन ने बोला ना झूठ बोलने के लिए कि, तो उसके बाद मामी ने बोला अगर तू नहीं आया तेरे को चप्पल से मार लगेगी। तो कैसा लगा सचिन सुन के, कैसा लगा, कैसा फीलिंग था? कह रहा है फिर सच बोल देता हूँ फटाफट मतलब चप्पल से सही में लगेगा। हाँ। अगर पक्का रुक जाते ना तो पक्का चप्पल से उसको लगता, मज़ा आ जाता फिर। उधर ही मैं ब्लॉग बना रहा था ये चप्पल से पिट रहा होता है, तो आप सब देख ही रहे होते। तो चलो फिलहाल अभी फटाफट चलते नानी का। और आजकल ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा लेट आ रही है मुझे पता है। और इधर की हरियाली देखो क्या, मतलब सिटी बहुत तगड़ी है यार, एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। चलो फिर भी सीधा मिलता हूँ नानी घर पे। तो गाइज अभी फिलहाल चलते चलते हम आ गए सचिन के स्कूल के पास। अब उसमें नहीं पढ़ता वो, ये स्कूल है ठीक है। ये फोटो वोटो किसकी लगी है? है तो देखो कहाँ पे, अच्छा ये देखो ये है सुरभि का फोटो, 76% आई है ना। और ये स्कूल है ये देखो, तो गांव के स्कूल में ना ज़्यादा सरकारी स्कूल में कोई नहीं आता। ये मंदिर है भाई, आप भी दर्शन कर लो, हम भी कर लेते हैं। और फिलहाल इधर ना सरकारी स्कूल में बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं होती, बस खाना पड़ता है ठीक है। छिपा लेके छिपा लेके दौड़ते सब, गाँव की भाषा में कैसे बोलते हैं, थाली लेके दौड़, थाली लेके दौड़ ठीक है। आपको मैं ना कभी ना होगा तो मैं एक्सपोज करूँगा एक बार स्कूल सरकारी स्कूल बिहार का, क्योंकि यार अपने दिल्ली के स्कूल देखो, यूपी के भी बहुत अच्छे खासे स्कूल बन रहे हैं, अब बिहार का क्यों नहीं बन रहा यार। और टीचर भी आता है वरना नहीं आता। यहाँ पर भाई खाली कोचिंग सेंटर आपको मिलेंगे, खाली कोचिंग सेंटर। जैसे अभी एक बंदा कोचिंग सेंटर का देखे गया हमें पर्चा है सचिन, कंप्यूटर का अल्फा प्लस। और ये ना यहाँ दिल्ली में ना बच्चों तक का आता है ये वाला, बाकी नंबर नहीं दिखाऊंगा वरना आप भी सर कोर्स करना शुरू कर दोगे। दिल्ली में ना इससे बच्चों तक का आता है। यहाँ पर कह रहे बच्चे को माउस पकड़ना नहीं आता, सही बात है सचिन? नहीं पकड़ नहीं आता है, आता है ना पर चलाने नहीं आता होगा। तो भाई वो तो धीरे धीरे सीखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर देहात एरिया इधर किसी को क्या पता। तो आपको सीधा मिलता हूँ मैं घर पे, धूप हो रही है बहुत ज्यादा। चिन में डाला है बच्चों को कहाँ पे अब रोएगा, 1 2 छोड़ दे भैया, 1 2 3 ओ